तैमूर का नाम सुने हैं? तैमूर अगर छीछी करेगा, छीछी समझते हैं, पैखाना कर देगा ना, तो इतना कमेंट लोग करेगा कि इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर यह गरीब आदमी अगर अपना 2 गज जमीन के लिए 3 दिन से भूखे पड़ा हुआ है ना, तो कोई कमेंट में कुछ नहीं लिखेगा। विडंबना है हमारे देश की। जितना कंगना रनावत का है, वो फालतू का बकवास कर देगी तो उसको Z+ सुरक्षा मिलेगा। और ये नागरिक अपनी छोटी सी मांग के लिए देख लीजिए ना कैसे पड़े हुए हैं, और कोई नहीं आया है अभी तक। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, और फिलहाल आप हमारे पीछे का जो तस्वीर देख रहे हैं, देख लीजिएगा बड़ा गौर से, ये गरीब लोग हैं। बार बार हम कहते हैं कि यह लोग गरीब हैं, कहेंगे कि दिखाइए इनको, इनके कपड़ों को दिखाइए, और यह जरूर कहिएगा कि बिहार की तस्वीर वाकई में हम दिखाते हैं और दिखाएंगे भी, क्योंकि हम गरीबों के बीच रहते हैं। एक व्यक्ति बुजुर्ग है, पड़े हुए हैं, कौन इनसे सूद लेने वाला है? कोई इनको पूछने भी नहीं आएगा। जानते ही कहाँ अभी मौजूद है, भाई देख लीजिए, भाई कार्यालय है प्रखंड सह अंचल कार्यालय बड़ारी कटिहार, प्रखंड का सबसे बड़ा कार्यालय, और यहीं पर बैठते हैं BDO साहब, जो प्रखंड के मालिक भी हैं। इन्हीं के समक्ष में ये लोग बैठे हैं, गरीब लोग हैं। कंगना रनावत अगर एगो कोनो बात बोल देगा ना, तो सरकार 5 गो बॉडीगार्ड दे देगा। लेकिन ये गरीब 5 दिन से, कितने दिन से ये पड़े हुए हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। सुशासन की सरकार को समझना पड़ेगा कि सर समझिए कि कंगना रनावत अगर एगो बात बोल देगी ना, तो 5-5 गो Z+ सुरक्षा मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर यह गरीब अपनी मांग को लेकर यहाँ मर रहा है भूखे, तो इसको पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा। चलिए जानते हैं कि इस बुजुर्ग का क्या कहानी है, क्यों सो गए हैं, नाटक तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत तो लोग तो कह देगा कि नाटक कर रहा है ये गरीब आदमी, लेकिन हकीकत बात बोलते हैं कि इन लोगों का जो सवाल है सरकार से, जो मांग है, बस यही है भैया कि गंगा के कटाव में ना इन लोगों का सब कुछ डूब गया। और आज नहीं, आज 20-25 साल से जब हम लोग बच्चा थे ना, तभी से ही लोग अपना जमीन के लिए मांग कर रहा है कि 2 गज जमीन मिल जाए, जहाँ शांति से जिए। क्या यह भारत देश का नागरिक नहीं है? क्या यह बिहार का नागरिक नहीं है? क्या यह कटिहार का नागरिक नहीं है? इसका भी हक उतना ही बनता है साहब, जितना कंगना रनावत का है। वो फालतू का बकवास कर देगी तो उसको Z+ सुरक्षा मिलेगा। और ये नागरिक अपनी छोटी सी मांग के लिए देख लीजिए ना कैसे पड़े हुए हैं, और कोई नहीं आया है अभी तक। आना चाहिए, इनको संतावना तो जरूर देना चाहिए। देखते हैं, बताइए काहे सुतलो छिए है? मांग लिखलो छे, घड़े बनावे के लिए जमीन मांगे छिए, बोल नहीं पा रहे हैं। कितने दिन से उपवास? तीसरा दिन। कोई नहीं आया? कोई नहीं भाई। विडंबना है हमारे देश का। और गांधी जी ने जो भी चीज मांगो तो इसी तरीका से मांगो, लेकिन अभी के लोग समझते कहाँ है। देखिए ना, कुछ महिलाएं हैं, बहुत पुरुष हैं, उन लोगों से बात करते हैं। फिलहाल इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नाम जलंधर। किस लिए बैठे हो यहाँ? भूमिहीन मजदूर के लिए, 2 गज जो आप बोले उस चीज के लिए बैठे हुए हैं। 2 ही गज के लिए? जी सर। और ये बुजुर्ग आदमी को सुला दिए हैं? ना सर, ये बुजुर्ग आदमी हम लोग के मुंह पे तमाचा मारे हैं कि आज तुम लोग को खिलाफ पिला तो बड़ा कर दी, तुम लोग को जमीन नहीं हो पा रही, हम आज तुमको जमीन दिलाने के लिए इस अवस्था में ये सोए हुए हैं। ये तो हम लोग के पास जोरदार तमाचा है बुजुर्ग के आदमी की तरफ से। ये बरारी लोगों के भी तमाचा है कुछ पदाधिकारी दिखाने के लिए। देखिए, आज आप लोग नहीं किए तब तो हम लेटे हुए हैं, जो कि ये अवस्था नहीं है इन लोगों की मांग पे बैठने के लिए भूख हड़ताल पे। लेकिन इन्होंने तमाचा मारा है सभी को गाल पे। और बताइए क्यों बैठे हैं? देखिए, यहाँ काफ़ी गंगा कटाव से तो हम सब काफ़ी यहाँ बरारी वासी सदियों से परेशान हैं, और भूमिहीन परिवार को मात्र जो सरकार का ही प्रावधान है, कोई ऐसा नहीं 3-5 डिसमिल जमीन दिया जाए। आज ये जो हमारे माननीय है या यहाँ जो भी संगठन है, काफ़ी प्रयास किए हैं कि सभी को जमीन मुहैया किया जाए, मगर आज तक हम तो कहते हैं कि जो हमारे सामने CEO और BDO है या हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, 3-3 बार कार्यक्रम उनका बरारी ही आता है। और बरारी ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो समाज सेवी है उनको नज़रबंद पहले किया जाता है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होता है। तो जनता का जो परेशानी है, ये दुख है, सरकार तक मैसेज नहीं जाता है।
ये सरासर के ये यहाँ अंग्रेजों का शासन है, ये अंग्रेज सब बैठे हुए हैं, जनता का कौन सुनेगा। आप सही बोले कि कहीं नाटक या ड्रामा तो नहीं है जी, उनको तो नाटक ही, हमको पेट में भूख है तो उनको तो नाटक ही नजर आएगा। तो समस्या है, कम से कम 5 डिसमिल जमीन अधिकार हम सबका मौलिक अधिकार है, वो हम सबको मिले। जानते हैं खिसिया के बोलते हैं तो बहुत लोग बोलता है कि बोल रहे हैं, खिसियाना वाजिब है भैया, क्योंकि ये सब हमारी माँ बहन भाई है और इन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है। तैमूर का नाम सुने हैं, तैमूर अगर छिछी करेगा, छिछी समझते हैं, पैखाना कर देगा ना, तो इतना कमेंट लोग करेगा कि इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर यह गरीब आदमी अगर अपना 2 गज जमीन के लिए 3 दिन से भूखे पड़ा हुआ है ना, तो कोई कमेंट में कुछ नहीं लिखेगा। विडम्बना है हमारे देश की, विडम्बना ही तो है कि सैफ अली खान का बेटा अगर छिछी कर लिया तो कितना लोग कॉमेंट करेगा, लेकिन ये 3 दिन से आदमी अपना 2 गज जमीन के लिए भूख हड़ताल किए हुए हैं, तो ना इसको कोई देखने आया और ना झूठो कोई आ जाता कि भैया आपका हम साथ हैं, कितना अच्छा होता ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।